ਫਿਰ ਬਲਿਦ ਭੋਲ ਸਾਂਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੇ ਜੈ ਮੇਰ ਮੁਖੇ ਸਰਦਾ ਕੁਛ ਪਾਸ਼ਾ ਭੇਤੇ ਕਰ ਪ੍ਰਭ ਜੈ ਭੁਵਨ ਰਿਸ਼ਰਭਾਚ ਦਿਵ੍ਯਾਹਤੇ ਤਤ੍ਰ ਮਹਾ ਸੁਰੇਂਦ੍ਰ ਸੇਂਦ੍ਰਹ ਸੁਰਾਭਣ ਪੁਰੋਗਮਾਸਾਮ ਕਾਤ੍ਯਾਯਣੇਂਦੋ਷੍ಟ ਪੁਰੇਸ਼ ਲਾਭਾ ਵਿਕਾਸ਼ ਭਕ੍ਤਾਕ್ಷ ਵਿਕਾਸ਼ਿਤਾਸ਼ ਦੇਵੇ ਪ੍ರಪನ್ನಾಂತಿ ਹਰੇ ਪ੍ರಸೀದ ਪ੍ರಸೀದ ಮಾತಾ ಜಗದಖಿಲಸ್ಯ ಪ್ರಸೀದ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಪಾಹಿ ವಿಶ್ವಂ ತ್ವಮೇಶ್ವರಿ ದೇವ ಚರಾಚರಸ್ಯ ಆಧಾರಭೂತಾ ಯದಸ್ತಮೇಕ ಮಹೇಶ್ವರೂಪೇಣ ಯತಃ ಸಿತಾಸಿ ಅಪಾಂಸರುಪಸ್ಥಿತಯತ್ವೇತ ಆಪ್ಯಾಯತೆ ಕೃಷ್ಣಮಲಂಘವೀರ್ಯ ತ್ವಂ ವೈಷ್ಣವೇಶ ಕಿರಣಾಂದವೀರ್ಯ ವಿಶ್ವಾಸ ಬೀಜಾಂ ಪರಮಾಸಿ ಮಾಯಾ ಸಮ್ಮೋಹಿತಂ ದೇವಿ ಸಮಸ್ತಮೇತ ತ್ವಂ ವೇ ಪ್ರಸನ್ನ ಭುವಿ ಮುಕ್ತಿ ಹೇತು ವಿದ್ಯಾ ಸಮಸ್ತಸ್ತವ ದೇವಿ ವೇದ ಶ್ರಿಯಃ ಸಮಸ್ತಃ ಸಕಲ ಜಗತ್ತು ತ್ವಯೈಕಯಾ ಪೂರಿತಮಂ ಭಯೈತ ಕಾತೇ ಸ್ತುತಿಸ್ತಭ್ಯ ಪರಾ ಪರೋಕ್ತಿಃ ಸರ್ವಭೂತಾ ಯದಾ ದೇವೇ ಸ್ವರ್ಗಭೂತೇ ಪ್ರದಾಯಿನೇ ತ್ವಂ ಸದಾ ಸದೈಕಾ ವಾ ಭವಂತೋ ಪರಮೋಕ್ತಃ ಸರ್ವಸ್ಯ ಬುದ್ಧಿರೂಪೇಣ ಜನಸ್ಯ ಹೃದಿ ಸಂಸದೆ ಸ್ವರ್ಗಾಪವರ್ಗದೆ ದೇವೇ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸದೆ ಕಲಾಕಾಶಾದಿ ರೂಪೇಣ ಪರಿಣಾಮ ಪ್ರದಾಯಣೆ ವಿಶ್ವಸ್ವಪರದ ಶಕ್ತಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸದೆ ಸರ್ವಮಂಗಲ ಮಂಗಲ ಶಿವ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಗೆ ಶರಣ್ಯಂಬಕ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸದೆ ಶ್ರೇಷ್ಠೇ ವಿನಾಶಾನಾಂ ಶಕ್ತಿಭೂತ ಸನಾತನೆ ಗುಣಾಶ್ರಯ ಗುಣಮಯೇ ನಾರಾಯಣ ನಮೋಸುತೆ ಶರಣಾಗತ ದೇನಾಥ ಪರಿತ್ರಾಣ ಪರಾಯಣೆ ಸರ್ವಸ್ಯಾತಿ ಹರೇ ದೇವೇ ನಾರಾಯಣ ನಮೋಸುತೆ ಹಂಸಯುಕ್ತ ವಿಮಾನಸ್ಥೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಣೇ ರೂಪಧಾರಣೆ ಕೋಶಾಂಬಕ್ಷರಿಗೆ ದೇವೇ ನಾರಾಯಣ ನಮೋಸುತೆ ತ್ರಿಶೂಲ ಚಂದ್ರ ಹಿಧರೆ ಮಹಾವೃಷಭ ವಾಹಿನಿ ಮಹೇಶ್ವರೇಶ್ವರೂಪೇಣ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸುತೆ ಮಯೂರ ಕುಕ್ಕರ ಹೃದಯ ಮಹಾಶಕ್ತಿಧರ ನಖ ಕೌಮಾರಿ ರೂಪ ಸಂಧಾನ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸುತೆ ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಗದಾಶಾಯ ಗೃಹೀತ ಪರಮಾಯುಧ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವೈಷ್ಣವಿ ರೂಪೆ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸುತೆ ಗೃಹೀತಾಗ್ರ ಮಹಾಚಕ್ರ ದಶೋಧಿತ ವಸುಂಧರೆ ವರಾಹ ರೂಪಣಿ ಶಿವೇ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸುತೆ ನೃಸಿಂಹರೂಪೇಣ ಗ್ರೇಣ ಹಂಡುಂಧ್ಯತ್ಯಾಂಗಿತಭ್ಯಮೇ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯತ್ರಾಣ ಸಹಿತೆ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸುತೆ ಕ್ರೀಡಿಣಿ ಮಹಾವಜ್ರೆ ಸಹಸ್ರಣೇಣೋಜ್ವಲೆ ವೃತ್ತ ಪ್ರಾಣ ಹರೆ ಚಂದ್ರೆ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸುತೆ ಶಿವರುದೆ ಸ್ವರೂಪೇಣ ಹದುದೈತ್ಯ ಮಹಾಬಲೆ ಘೋರ ರೂಪೆ ಮಹಾರಾವೆ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸುತೆ ದೃಶಾಕರ ನಭದನೆ ಶಿರೋಮಾಲಾ ವಿಭೂಷಣೆ
चामुंडे मुंडमदने नारायणी नमोस्तुते। लक्ष्मीलज्जे महाविद्ये श्रद्धे भुजे सुते ध्रुवे महारात्रि महाविद्ये नारायणी नमोस्तुते। मेधे सरस्वते परे भूते प्रभविलामसि एते त्वं प्रसीदेश नारायणी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वजयते समन्विते भवेस्राहिणो देवे दुर्गे देवे नमोस्तुते। एतत्ते वर्णं रम्यं लोचनत्रयभूषितं पातु नः सर्वभेदेभ्यः कात्यायणि नमोस्तुते। ज्वालाकरारमत्युग्रम् अशेषासुरशोधनं त्रिशूलं पातु नो भेदभद्रकाले नमोस्तुते। हिणसि दैतदेजासि सुनेन पूरया जग साखण्डा पातु नो देवे पापेभ्यो नः सुरानिव। अस्राश्रिवशाङ्गचर्चस्येकुरज्ज्वल शुभाय खलगो भवतु चण्डिके त्वां नता भयं रोगानशेषानभाषदृष्टा दृष्टा दुकामान् सकलानभेष्टान् त्वामाशितानां हरिपन्नानां त्वामाशिदायाशतां दयान्ते। एताकिलं यत्कलनान्दयाध्य धर्मदुषां देविमहासुराणां रूपैरनेकेन बहुधा त्वमोदे कृत्वाम्बिकेतात्र करोति कन्या विद्याशु शास्त्रेषु विवेकदेवे स्वाध्येषु वाक्येषु जगादुरन्या मम त्वगतेति महान्धकारे बिभ्रामयते तदेव विश्वम् रक्षासि यत्रोग्रविशाचनागा यत्रारयोदयस्वबलानि यत्र धावानलो यत्र तथाधि मध्ये तत्र सिधात्वा परिपासि विश्वम् विश्वेश्वरे त्वं परिपासि विश्वम् विश्वात्मिकाधारसेति विश्वम् विश्वेश बन्ध्या भवते भवन्ति विश्वाश्रयाय त्वयि भक्ति नम्रः देवे प्रसीद परिपालयनोरभीत नित्यं यथा सुरपथा तरुणैव सद्यः पापानि सर्वजगतां भ्रजमाणयाशो उत्पातपाकजनिता च महोपसर्गम् प्रणतानां प्रसीद त्वं देवे विश्वादिहारणे ते लोकवासिनामीढे लोकानां वरदा भव देव्योवाच वरदाहं सुरगणां परं जन्माशर्षद तां मृणध्वं भयक्षामि जगतामुपकारकम् देवावोचुः सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरे एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्भैरिविनाशनम् देव्योवाच देवासुतेन्दरे ताते अष्टाविंशतिमे युगे शुम्भो निशुम्भ चैवान्यमुत्पद्येते महासुरो नन्दकोपगृहे जाता यशोधाग्रवसम्भव तदस्तो नाशयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिने पुनरप्यते रौद्रेण रूपेण वृदवेतले अवतीर्यानेष्यामि व्यपचित्तान् सुधानवान् वक्ष्यन्दाशुधानोग्रान् व्यपचित्तान् महासुरान् रक्तानन्दाविभीषन्ते दाणिमेकसमोपमा ततो मां देवतः स्वर्गे मर्दलोके जमानवा सुवन्दो व्याहरिष्यन्ते सलदं रक्तदन्तिकाम् भूयशाशक्यम् अनामृष्टामनं वसे मुनिभिः संसदा भौम सम्भवेशामयो निज ततः शतेन नेत्राणां निरीक्षिष्यामि यन्मुनि एतेषन्ति मनुजः शताक्षेमिति मां ततः ततोऽहमखिलं लोकम् आत्मदेह समद्भवे वरिष्यामि सुराशाके आवृष्टे प्राणधारके शाकम्भरेति ज्ञातं तदा यास्यामहं भुवि तत्रैव जवदेशामि दुर्गमाख्यां महासुरं दुर्गादेवेति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति पुनश्चाहं यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले रक्षासि वक्षयिष्यामि मुनीनां प्राणकारणात्
तदा मा मुनयः सर्वे सोऽस्यं ध्यानं रमूर्तयः भीमादेवे विख्यातं तन्मे नामाभिषते यदारुणाख्यस्त्रे लोके महापादां करिष्यते तदाहं भ्रमरं रूपं कृत्वा सङ्गे षट्पदं त्रैलोक्यस्य तार्थाय बधिष्यामि महासुरं धामरेते च मां लोका सदा शोषन्ति सर्वतः इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तदा बधेयाहं करिष्यामि सङ्ख्यम् सायंकालीन आरती की इस पवित्र वेला में आप सब भक्तों का माँ भगवती के दरबार में अभिनंदन, आप सबका हार्दिक स्वागत। इस समय विश्व के कल्याण के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है। विश्व के कल्याण में ही हम सबका कल्याण है। इस समय वैदिक मंत्रों द्वारा षोडशोपचार से विधिवत इस दिव्य गुहा के अंदर माँ भगवती की पूजा, माँ की अर्चना की जा रही है। ऐसी मान्यता है कि जब माँ भगवती की पूजा होती है, पूजा के समय समस्त देवतागण भी करवत माँ भगवती की स्तुति करते हैं। आरती के इस पवित्र वेला में जो ही भक्तजन भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से माँ भगवती का ध्यान करते हैं, माँ का नाम स्मरण करते हैं, माँ भगवती की स्तुति करते हैं, माँ भगवती प्रसन्नता पूर्वक उन भक्तों के प्रार्थना को स्वीकार कर करके उन्हें वरदान देती है। आप सभी भक्तजन माँ भगवती के दरबार में विराजमान हैं। आप जो लक्ष्य लेकर घर से चले हैं, उसी लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित कर करके भक्ति भाव से माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए माँ से प्रार्थना करें। माँ भगवती आप आए हुए शरणार्थ भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके आपको आशीर्वाद दें, आपके मनोकामना को, आपके मनोरथों को पूर्ण करें। ये आरती की वेला है, बड़ी उत्तम वेला है। इस पवित्र वेला में की भगवती की आराधना, अर्चना, पुण्यकर्म, माँ भगवती की स्तुति इसका अक्षफल होता है। विद्वानों द्वारा आपके कल्याण के लिए, आपके सुख समृद्धि के लिए, आपके अवधे के लिए, आपके उन्नति के लिए, आपके दीर्घायु के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है। यह स्तोत्र वास्तव में परम कल्याणकारी हैं, सुख शांति सुख समृद्धि को देने वाले हैं, धन धन की वृद्धि करने वाले हैं। जो ही भक्तजन भक्ति पूर्वक इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति करते हैं, माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से उन भक्तजनों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है। वह भक्तजन, वह साधक जन माँ के आशीर्वाद से जहाँ जहाँ जाते हैं, वहाँ वहाँ उन्हें कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है, धन लाभ होते हैं, उनका यश, उनका मान, उनकी कीर्ति बढ़ती है, वह आरोग्यता को प्राप्त होते हैं, दीर्घायु को प्राप्त होते हैं, उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती, वह पूर्ण आज का भोग करते हुए धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करते हुए इस माँ जगजन ने माँ जगदम्बा की आराधना अर्चना करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। आप सभी अपना ध्यान माँ के चरण में ले जाइए और भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति कीजिए। माँ भगवती आप शरणार्थ भक्तों का कल्याण करें, आप सबका मंगल करें। ध्यान ओम विद्युत्तामसमा प्रभा मृगपते स्कन्दसिदां भीषणां कन्याभिकरबालकेटविलस हस्ताभिराजभितां हस्ते शक्लगदाधिकेटभिषिका शापमुगुणं दर्जने बिभ्राणामलरात्रिकां शशितरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। ॐ देव्योवाच देवेश्वरेशमा नित्यं दोषदेयः समाहितः तस्याहं सकलां बाधां नाशयिष्यामि संशयं मधुकैटुं नाशं च महिषासुरघातनम् कीर्तयिष्यं तत्फलं शम्भरशम्भयोः अशम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चैकचेतसः शोषन्ति चैव ये भक्त्या मम माहात्म्यमुत्तमम्
नाम दुष्कृत दुष्कृतता भविष्य न दारिद्र्यम न जयोजन शत्रुपाण भय दस्यो वाणराज न शस्त्रो योग कदाच संभविष्य तस्मात्म्यम पढ़ेतव्यम समाहिते श्रोतव्यम च सदा भक्त्या परम स्वशरण उपसर्गानशास्त्रो महामारे समर्थवान् तदा त्रिविधमुत्पादम् माहात्म्यम् शमे नमः यत्र तत्पठ्यते सम्यक् नित्यमायतने मम सदा न तत्र मोक्षामि सान्निध्यम् तत्र मे स्थितम् भरे प्रदाने पूजायाम् अनिकार्ये महोत्सवे सर्वामेतच्चरितम् उच्चार्यम् शापमेव च जानता जानता भावे भले भोजाम् दराकृताम् तदेशिष्याम्यहम् प्रेद्या भण्यहोमम् दराकृताम् शरत्काले महापूजा क्रियते च वार्षिके तस्याममेतन्माहात्म्यम् श्रुत्वा भरते समन्वितः सर्वाबाधाभिनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यतेन संशयः श्रुत्वा ममेतन्माहात्म्यम् तथा चोत्पत्त्यः शुभा पराक्रमम् जयोद्देशो जायते निर्भयापमान् संशयम् जाते कल्याणम् च उपपद्यते नन्दते च कुलम् वंशम् माहात्म्यमवशन्वताम् शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्नदर्शने गृहपीडासु जोग्रासु माहात्म्यम् श्रुणुयाम् मम उपसर्गः शमम् जाते गृहपीडासु दारुणा दुःस्वप्नम् च निवेदृशम् सुस्वप्नमुपजायते बालग्रह विभूतानाम् बालानाम् शान्तिकारकम् सङ्घातभेदे जनेनाम् मैत्रे करणमुत्तमम् दुर्वृत्तानाम् अशेषाणाम् बलहाने करम् बलम् रक्षोभूतपिशाचानाम् पठनादेव नाशनम् सर्वम् ममेतन्माहात्म्यम् मम सन्निधिकारकम् पशुपुष्पार्घधूपश्च गन्धदेवे सदातले विप्राणाम् भोजने होमे प्रोक्षणेयहान्निशम् अन्ये चाभिविधैर्भोगैः प्रधानैर्वत्सरेण या प्रीते मे क्रियते सस्मिन् सकृ सोचरते श्रुते श्रुतम् हरति पापानि तथा रोग्याम् प्रयच्छति रक्षाम् करोति भूदेव्यो यन्मनाम् कीर्तनम् मम युद्धे सोचरतम् जन्मे दुष्टदैत्यनिवर्हणम् तस्मै श्रुते भैरिकृतम् भयम् पुंसाम् न जायते युष्माभिस्तयो यास्य यास्य ब्रह्मर्षभे कृता ब्रह्मणा जागृदासो प्रयच्छन्ते शभामते अरण्य प्रान्तरे वापे धावाने परिवारितः दशभिर्भाविदाशोणे गृहीतो वापि शत्रुभिः सिंहव्याघ्रानुयातो वापने पापनः शिभिः राज्ञा क्रुद्धेन जाज्ञातो बद्यो बन्धकृतो विवा आघूर्णितो वापातेन स्थितः बोधे महान्नवे पदसु चाभिषश्रेषु सङ्ग्रामे पृषदारुणे सर्वापादासु घोरासु वेदनाभ्यस्थितोऽपि वा सुमर्ममेतचरितम् नरो मुञ्चेत सङ्कटान् मम प्रभाव सिंहाद्यादशभोवेण सदा दूरादेव पलायन्ते स्मरतश्चरितम् मम ऋषिरुवाच इत्युक्त्वा सा भगवती चण्डिका दण्डविक्रम पश्यतामेव देवानाम् तत्र वान्तरधीयत देव देवानिरातङ्कः स्वाधिकारान् यथा पुरा यज्ञभागपुजः सर्वे चक्रो विनिहतादयः देत्याशदेव्याणि हृदे शुम्भदे परपो युधि यद्विध्वंसने तस्मिन् महोग्रे दुर्विक्रमे निशुम्भे च महावीर्ये शेषः पातालमाययुः एवम् भवति देवे सान्नित्यापि पुनः पुनः सम्भूय कृते भूप जगतः परिपालनम् एतन्मोयते विश्वम् सेव विश्वम् प्रसूयते सा याचिता च विज्ञानम् तुष्टारिद्यम् प्रयच्छति व्याप्तम् दयत सकलम् ब्रह्माण्डम् मनुजेश्वर महाकाले महाकाले महामारे सुरूपया सेवकाले महामारे सेवसेते भवत्या स्थितिम् करोति भूतानाम् सेवकाले सनातने भवकाले नाम सेवा लक्ष्मीर्वेद्ये प्रदागृहे सेवाभावे तदा लक्ष्मीर्विनाशायोपजायते सदा सम्पूजिता पुष्पे धूमगन्धादिभिस्थिता सदा निमित्तम् पुत्रा च मदिम् धर्मे गतिम् शुभा ओ
सिद्ध कुंजिका स्तोत्र शिवोवाच शृणु देवे प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तम येन मंत्र प्रभावेण चंडी जाप शुभो भवेत् न कवचम न गल स्तोत्रम कीलकम न रहस्यकम न सूतम नापि ध्यानम च नानासो न जवाचनम कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत् अधिगुह्यतरम देवे देवानाम विदुर्लभम गोपनीयम प्रयत्नेन स्वयमेव पार्वती मारण मोहन वश्यं संबनो चाटनादिकं पाठमात्रेण संसिद्ध कुंजिका स्तोत्रमुत्तम ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ओम ग्लौं हूं क्लीं जुं सः ज्वाले ज्वाले ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे जल हंसं लंक्षं फट स्वाहा नमस्ते रुद्ररूपिण नमस्ते मधुमर्दने नमः केटवहारिण्य नमस्ते महिषाधने नमस्ते शुम्भहन्द्रे च नशुम्भासुरघातने जागदमे महादेवे जपं सिद्धिं करोष्यमे हृङ्गारे शिशिरूपाय हृङ्गारे प्रतिपालिका हृङ्गारे कामरूपिण्य बीजरूपे नमस्ते चामुण्डा चण्डघाते च यैकारे प्रदायणे वृक्षे चाभेदानित्यं नमस्ते मन्त्ररूपिणे धां ह्रीं धूं धुर्यले पत्ने वां ह्रीं भूं भागदेश्वरे क्रां ह्रीं क्रों कालिका देवी श्यां श्रीं शुमे शुभं कुरु हुं हुं हुंकार रूपिण्ये जं 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 भणादने ह्रां ह्रीं ह्रूं भैरवे भद्रे भवाने ते नमो नमः अङ्कं चण्डं तं तं यं षं भीं ध्रुं ऐं भीं हं षं धियाघ्रं धियाघ्रं त्रोटय त्रोटय धीतं कुरु कुरु स्वाहा भां भीं भ्रूं पार्वते पूर्ण हां श्रीं ह्रूं शेजले तथा श्रां श्रीं ह्रूं सप्तशते देभ्य मन्त्रसिद्धिं कुरुष्व मे इदं तव कुञ्जिका स्तोत्रं मन्त्रयागस्ति हेतवे अभक्तेनैव दातव्यं गोपितं रक्ष पार्वती यस्तु कुञ्जिकया देवे येनां सप्तशतं पठे न तस्य जायते सिद्धे अरण्ये रोदनं यः ओ नमस्ते शरण्ये शिवे सारकम्बे नमस्ते जगद्व्यापिगेवेश्वरूपे नमस्ते जगवन्दपादारविन्दे नमस्ते जगत्तारिणेत्राहि दुर्गे नमस्ते जगच्चिन्तमाने स्वरूपे नमस्ते महायोगि विज्ञानरूपे नमस्ते नमस्ते सदानन्दरूपे नमस्ते जगत्तारिणेत्राहि दुर्गे अनाथसरेणसदृष्णातुरस्य भयातसभीतासबद्धासयन्तो त्वमेकागतिर्देवनेतारकसि नमस्ते जगत्तारनेत्राहि दुर्गे अरण्येरणे दारुणे शत्रुमध्ये जरे सङ्गणे राजगेहे प्रभाते त्वमेकागतिर्देवनेतारहेतु नमस्ते जगत्तारनेत्राहि दुर्गे अपारे महादोषे चान्दघोरे दिवसागरे भजदां देहभाजां त्वमेकागतिर्देवने सारणौका नमस्ते जगत्तारनेत्राहि दुर्गे नमः चण्डिकचण्डदण्डलीला समत्कण्डिकखण्डला
शेषयत्रो त्वमेकागतिर्भेर्नमो नमस्ते जगत्तारणेत्राहि दुर्गे त्वमेका सदाराधिता सत्यवादी नरेकाखिलाक्रोधनाक्रोधनिष्ठा हिरापिङ्गलध्वंसजमनाजनाडि नमस्ते जगत्तारणेत्राहि दुर्गे नमो देवि दुर्गे शिवे भीमनादे सदा सर्वसिद्धिप्रदात्रे स्वरूपे शिरोते सदा कालरात्रे स्वरूपे नमस्ते जगत्तारणेत्राहि दुर्गे शरणमसि सुराणां सिद्धविद्याधराणां मुनिदनुजवराणां व्याधिपीडितानां विपदिग्रहगतानां दशभिर्द्वासितानां त्वमसि शरणमेका देवि दुर्गे प्रसीद जय भगवती देव नमो वरदे जय पाप विनाशिने बाहुबलदे जय शोभन भगवालदरे प्रणमामि तु देव नारदे हरे जय चन्द्र देवाकरनेत्रधरे जय पावक Oh.
शब्द का नाद होगा, तीन बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आपसे भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से आवाज निकालते लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से यह प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो। हम भक्तों का वरदान दो, हम भक्तों का कल्याण करो। सही भक्ति भाव से माँ से प्रार्थना करते हुए ध्यान मुद्रा में तीन बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। इस समय आप भक्तों को जो आरती का प्राप्त हुए हैं, इस आरती की परम पवित्र वेला में माँ के चरणों में बैठ करके माँ भगवती की आराधना करने का, पुण्य अर्जित करने का आप भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुए हैं। आज गणेश चतुर्थी है, बड़ा ही उत्तम दिन है। आज सिद्धि विनायक व्रत है। ये भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी
भगवान श्री गणेश का जी जन्मदिन है और ये तिथि जो है मध्यान्ह व्यापनी ली गई है। तो कल सायंकाल को ये तिथि प्रारंभ हुई थी तो आज मध्यान्ह व्यापनी थी, इसलिए सिद्धिविनायक भगवान का व्रत जो है ये आज ही, और साधक जन भगवान गणेश की विशेष पूजा आराधना अर्चना कर करके विशेष आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, क्योंकि गणेश जो है ये विघ्नों को दूर करने वाले विघ्नों के देवता, ये विघ्नों को दूर करने वाले भगवान गणेश जो है विघ्न विनायक, और पूजा में ये सब देवताओं के अग्रगण्य हैं। कोई भी शुभ कार्य जो किया जाता है तो सबसे पहले सब यही कहते हैं पहले गणेश पूजन कर लीजिए, उसके उपरांत कार्य प्रारंभ कीजिए। तो गणेश जो है जो सनातन धर्म में पंचदेव उपासना बतलाई गई है उनके उनमें इनका नाम है गणेश ही, आदित्य भगवान सूर्यनाथ जो है भगवान सूर्य ही, भगवती माँ दुर्गा ही, भगवान विष्णु है और शिव, जो पंचदेव उपासना जो बतलाई गई सनातन में प्रत्येक शुभ कार्य में इनकी पूजा होती है और गणेश जो है ये प्रथम पूज्य है। गणेश की उत्पत्ति जो है ये कैसे ही कहते हैं कि भगवान गणेश को माँ पार्वती ने अपने मैल से जो है इनकी उत्पत्ति की, और जिसे देखने के लिए सब देवगण जब वहां पर आए वन में, भगवान शिव वहां पर थे नहीं बाहर गए हुए थे, तो माँ पार्वती ने जो है अपने शरीर के मैल से जो है इसका प्रादुर्भाव किया, और इतना सुंदर रूप था गणेश का, और सब देवगण जो वहां पर आए आकर के जो है गणेश जी को देख करके अर्थात पार्वती के पुत्र को देख करके सभी प्रसन्न हुए, सब प्रसन्न होकर के उसे आशीर्वाद दे रहे थे, और वहीं पर शनिदेव भी आए थे। शनिदेव आए थे तो शनिदेव जी अपना मुंह लटका करके बैठे हुए थे, सब देव जो है गणेश के दर्शन कर रहे थे, उन्हें आशीर्वाद दे रहे थे, परंतु शनि उनकी तरफ नहीं देख रहा था। तो माँ पार्वती को जी अच्छा नहीं लगा, बुरा लगा कि सब देव जो मेरे पुत्र को देखकर खुश हैं और ये ऐसा मनुष्य है काला कि मेरे पुत्र को देख करके अपना मुंह लड़का करके बैठा हुआ है। तो उसने पार्वती जी उससे कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। उसने कहा कि माँ मैं तो आपकी पुत्र की भलाई के लिए ही उस तरफ नहीं देख रहा हूं, और यदि आप कहते हैं ऐसी बात है तो ठीक है मैं भी दृष्टि डालता हूं। तो शनिदेव ने गणेश के ऊपर जो है दृष्टि डाली, तब कहने लगे मैं तो इसका शुभ चाहता हूं इसलिए नहीं देख रहा हूं, और उसका फल भी देख लेना। तो इस प्रकार से शनि ने गणेश पर दृष्टि डाली, चले गए। उसके प्राण जो है सब देवगण वहां से चले गए, और माँ पार्वती अंदर स्नान कर रही थी और गणेश को आज्ञा दी कि आप प्रहरी के रूप में बाहर खड़े रहना, कोई अंदर ना है, मैं स्नान कर रही हूं। गणेश जी बाहर खड़े थे, इतने भगवान शिव वहां पर आ गए, आए तो गणेश ने रोक लिया। अब भगवान शिव तो जानते नहीं कि है कौन, अब जब अंदर जाने ना दे भगवान शिव को क्रोध हुआ और त्रिशूल से उसका सिर काट दिया। बोलो सच्चे दरबार की जय। अभी शनिदेव को दृष्टि डाले थोड़ी देर हुआ तो शनि का प्रभाव, मानव की कुंडली में भी शनि जिस घर को देखता है वहां कई हानि करता है, और यदि आजू करके देखे तो मृत्यु तुल्य योग बना देता है। तो इस प्रकार से शनि की दृष्टि ऐसी होती है कि गणेश का सिर ही कट गया। अब पार्वती जो है रुष्ट हो गए कि मेरे पुत्र को जो है आपने मार दिया, जब भगवान शिव को जो पता चला कि ऐसा है तो अब क्या करें। तब उस समय सभी देवत गणों ने जो है निर्णय लिया, ब्रह्मा ने निर्णय लिया कि दक्षिण दिशा में जो भी जीव जो सो रहा होगा उत्तर की ओर सिर कर करके उससे उसका सिर काट कर ला करके इस धड़ के साथ जोड़ दिया जाए। तो जब आगे देखा
एक हाथी का बच्चा जो वहां पर वह सोया हुआ था, उत्तर की ओर सिर था, इसलिए उत्तर दिशा की ओर जो है सिर करके कभी सोना नहीं चाहिए। तो उसका सिर काटा तो गणेश के साथ जो है इसके धड़ के साथ जोड़ दिया तो ये गज बदन हुई, अर्थात ऊपर का शरीर जैन का हाथी का है और नीचे मानव का। बोलो सच्चे दरबार की जय। भगवान के गणेश की उत्पत्ति का मैं आपको कारण जो बतला रहा हूँ, कैसे इनका ये आज का दिन था चतुर्थी का, इस दिन इनकी उत्पत्ति हुई थी, ये सारी घटना जो घटी। अब जो है गज बदन गणेश का सिर जो है वहां पर लगा जो है गणेश को जो है अब हाथी का सिर लगाया गया, सब देवता जो है उनकी स्तुति की, पार्वती प्रसन्न हुई और सब देवता ने एक साथ जो है निर्णय लिया कि सभी देवता की पूजा से पहले गणेश की पूजा पहले होगी, प्रथम पूज्य। तो गणेश प्रथम पूज्य हुए। अब जब सभी देवता ने स्तुति की तो वहां पर चंद्रमा भी विराजमान थे, चंद्रमा बहुत सुंदर है, बड़ा सुंदर रूप है, जैसे गणेश का सुंदर रूप था। अब हाथी का सिर लग गया तो अब उसका रूप अलग हो गया। तो चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन जो है जो वर्जित है, आज के दिन चंद्र दर्शन जो है, जो पिछले दिन रात्रि को जो चंद्र चतुर्थी में चंद्रोदय हुआ था तो उसमें चंद्र दर्शन जो है, जो प्रत्येक वास्तव में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि जो है चंद्र दर्शन वर्जित है, परंतु भाद्रव शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि जो है उसमें विशेष चंद्रमा का निषेध बतलाया गया। इसका दर्शन जो है, जो चंद्र दर्शन उसके हो जाते हैं अनजाने में होते हैं तो कहते हैं कि उसे कोई ना कोई झूठा कलंक जो है वह लग जाता है, कोई विपत्ति या कष्ट कोई आता है। अब चंद्रमा भी वहां पर विराजमान थे, चंद्रमा ने गणेश की ओर देखा कि देखिए जो मनुष्य का शेर ऊपर जो हाथी का शेर लगाया हुआ है, सभी देवगण जो स्तुति कर रहे हैं और चंद्रमा मुस्कुरा रहे थे देख करके। जैसे कोई व्यक्ति होता देख करके मुस्कुराता है, इसका रूप अच्छा नहीं है। तो गणेश को क्रोध हुआ कि सब मेरी स्तुति कर रहे हैं और मेरे इस रूप को देख करके चंद्रमा जो मुस्कुरा रहे हैं, हंसी मजाक उड़ा रहा है मेरा। तो इसलिए उस समय गणेश ने चंद्रमा को शाप दिया, तो काला कलूटा हो जा। ऐसा शाप दिया तो एकदम भागते उसी वक्त वह वर्ण उसका काला पड़ गया, कुरूप हो गया। चंद्रमा जो है अब अपने अपराध के लिए क्षमा याचना करता हुआ गणेश से प्रार्थना करता, महाराज मुझसे गलती हो गई, भूल हो गई, मुझे क्षमा कीजिए, मेरा अपराध है। तब जो गणेश ने कहा कि ठीक है, परंतु लोगों को स्मरण भी रहेगा कि आपने ऐसा कार्य किया था, इसलिए महीने में एक बार तो पूर्ण होगा। पहले कहते जब पूर्ण होता था तो महीने में एक बार सूर्य के प्रकाश से तो पूर्ण होगा, जो पूर्णिमा जब आती है तो एक बार पूर्ण होगा। और आज के दिन जो है विशेष करके भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को जो भी तेरा दर्शन करेगा, तेरा कोई दर्शन ही करेगा, जो दर्शन करेगा उसको मिथ्या कलंक लगेगा, कोई ना कोई संकट कोई कष्ट जो है उसके जीवन में आ जाएगा। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो ये एक कथा थी। कुछ लोग कहते हैं कि आज चंद्र दर्शन मत करना, गणेश की उत्पत्ति का कारण जो है, तो आज चतुर्थी के दिन जो है आज जो है ये सिद्धि विनायक व्रत जो है साधक जन करते हैं, प्रारंभ करते हैं। और चतुर्दशी तक जो है कुछ लोग तो चतुर्दशी तक जो है गणेश की मूर्ति जो है कुछ सोने की, चांदी की, तांबे की, मिट्टी की ये मूर्ति जो है बना करके उसका पूजन करते हैं, भगवान गणेश का वाहन करते हैं और उनकी पूजा कर करके प्रार्थना करते हैं हमारे जीवन में किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधा ना आए, कोई कष्ट ना आए, कोई दुख ना आए, उन दुखों को उन कष्टों को दूर कर करके हमें सुख समृद्धि प्रदान करना। तो ये विशेष जो है पूजा जो है ये चतुर्थी से लेकर के चतुर्दशी को जो है गणेश का फिर विसर्जन किया जाता है। और फिर जो है यदि ऐसी परिस्थिति आ जाए, कहते हैं जानने में किसने देख लिया है, चंद्र दर्शन हो ही जाते हैं, तो हो गए चंद्र दर्शन जो है तो कहते हैं गणेश की स्तुति करें, गणेश के मंत्र का जप करें। और एक कथा है जो कलंक जो है भगवान कृष्ण को भी लगा था, ये चंद्र दर्शन से भगवान कृष्ण को कलंक जो लगा था, इसलिए कहा कि इस कथा को जो श्रवण करते इस कथा का सुनना चाहिए, उस कथा का श्रवण करना चाहिए, उसका श्रवण करने से ये दोष जो है उसका निवारण हो जाता है,
बदोष से मुक्ति मिल जाती है। तो कहते हैं कि सत्र द्वारका में सत्र नाम के राजा रहते थे, वह जो है भगवान सूर्य के उपासक थे, और भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर के उनको समंतक नाम की मणि दी, और मणि का इतना प्रकाश था कि वह जब उस मणि को लेकर आ रहे थे तो वह नगरी प्रकाशित हो रहा था कि जैसे साक्षात सूर्य भगवान आ गए हो। ऐसे वह मणि जो लेकर जब आए द्वारकाधीश जो है भगवान कृष्ण, उन्हें देखकर सभा में बैठे हुए थे तो लोग कहने लगे सूर्य नारायण आ रहे हैं। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि सूर्य नारायण नहीं है, ये सत्रज धारे हैं और इन्हें भगवान सूर्य ने ये मणि दी है, ये उसकी प्रकाश है। अब उसका पूजन विधि विधान से कर करके उन्होंने महल में रख दिया। अब जो है कहने लगे जब से मणि वहां पर आई सर्वत्र रिद्धि सिद्धि थी। उस मणि को सत्रजीत का छोटा भाई प्रसेन एक दिन गले में धारण किया और घोड़े पे सवार होकर के शिकार खेलने के लिए चला गया। शिकार खेलने के लिए गया था तो वन में जो है एक सिंह ने शेर ने उसको देखा तो घोड़े से उसको मार करके उस मणि को उसने छीन लिया। अब जो है जब सिंह ने मणि को छीन लिया और दोनों को वन में मार दिया, घोड़े को भी और प्रसेन को भी, सत्रजीत के भाई को भी, तो सिंह उस मणि को लेकर मुख में पकड़े हुए वह जा रहा था तो रास्ते में जो है जामत ने देखा। जामत ने सिंह को देखा तो जामत ने उस सिंह को मार दिया, शेर को मार दिया और उससे मणि छीन ली और मणि लेकर के अपने गुफा में जो है वहां अपने बच्चों को खेलने के लिए दे दी। अब जो है जामत ने जो है मणि जो है अपने बच्चों को दे दी। उधर जो है जब प्रसेन जो सत्रजीत का भाई वापस लौटा नहीं तो जो है अब नगर में जो चर्चा होने लगी कि भगवान कृष्ण को जो है इस मणि में आसक्ति थी, हो ना हो कि भगवान कृष्ण ने ये मणि चुरा ली, झूठा कलंक लगा चतुर्थी के दिन। तो जब ये कलंक लगा भगवान कृष्ण को भी पता चला कि सब जी चर्चा कर रहे हैं कि कृष्ण ने मणि चुरा ली है, तो ये सिद्ध करने के लिए जो है अब उसने पुरवासियों को अपने साथ लिया और प्रसेन को खोजने की कोशिश की। वन में चले गए, प्रसेन को खोजने लगे और प्रसेन को खोज सको घोड़े के पैरों को उनके निशान जो चिन्ह जो थे उनको देखते हुए वह आगे बढ़ते गए और वन में जाकर के देखा कि वहां पर जो है घोड़ा भी मरा पड़ा है और प्रसेन भी, दोनों मरे पड़े हैं। तब जो है भगवान कृष्ण ने विचार किया कि ये दोनों कोई बलशाली था जिसने दोनों को मार दिया। अब आगे देखा कि शेर के प्रचंड थे तो जो उनको विश्वास हो गया कि सिंह ने इनको मारा है, तो शेर के प्रचंडों को देखते हुए आगे बढ़े तो आगे जाकर के देखा कि शेर को भी किसने मार दिया है। अब भगवान जो है कृष्ण कहने लगे उन पूर्ववासियों से कि इस सिंह से भी कोई बलशाली था जिसने इसको भी मार दिया। अब उसके आगे देखा कि जावंत के प्रचंडों को देखते हुए उस गुफा द्वार तक पहुंचे जहां पर जावंत की गुफा थी। बाद जाकर के जो है अब भगवान कृष्ण ने पूर्ववासियों से कहा कि आप ऐसा करिए, आप यहीं पर रुकिए और मैं गुफा के अंदर प्रवेश कर करके देखता हूं कौन मणि लेकर के गया है। गुफा के अंदर प्रवेश किया, अंदर जाकर के देखा कि जो है एक बालक जो है जावंत का बालक जो खेल रहा था मणि के साथ, और भगवान कृष्ण ने जाकर के जैसे उस मणि को पकड़ना चाहा तो बाल जो है वह रोने लगा, चिल्लाने लगा, तो जावंत आकर के उसके साथ युद्ध करने लगा। भगवान कृष्ण जावंत का जो है कहते 27 दिन तक युद्ध चला था। तो नगरवासियों ने 12 दिन तक जो है गुफा के बाहर जो है इंतजार किया, प्रतीक्षा की, और अंत में सोचा कि पता नहीं गुफा के अंदर क्या हुआ है, तो वापस लौटा है। 27 दिन तक ये युद्ध चलता रहा, अंततः जो है भगवान कृष्ण ने उन पर मुष्टि प्रहार किया और जामत मूर्छित होकर के नीचे गिर पड़े। जब चेतन आए तब जो है उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरण में नतमस्तक होकर के उनकी वंदना की, प्रणाम किया, स्तुति की, कहा कि मैं आपको पहचान गया हूं कि त्रेता में आप श्री राम के रूप में थे और मुझे आपने वरदान दिया था, क्योंकि जामत ने उस समय कहा था कि त्रेता में जब रावण के साथ युद्ध हुआ तो उन देवतों के साथ युद्ध करते हुए जब भगवान श्री राम ने विजय प्राप्त कर ली रावण पर जो है,
और युद्ध समाप्त हुआ तब जो है भगवान श्री राम से जावंत ने कहा था, महाराज युद्ध तो हुआ परंतु युद्ध करने को कोई आनंद नहीं आया, कोई समान योद्धा मिला नहीं तो युद्ध का आनंद नहीं आया। तो भगवान ने कहा कि द्वापर में जो है आपको इस युद्ध का पूरा आनंद दूंगा। अब कृष्ण रूप में आकर के जो है भगवान कृष्ण जो है उस गुहा के अंदर युद्ध करते हैं। तो जामंत कहते हैं कि अब मैंने आपको पहचान लिया, आप त्रेतर युग राम जो जब मुझे वरदान दिया था, अब कृष्ण रूप में आकर के जो है वो आपका वरदान आपने पूर्ण किया है, क्योंकि मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता था। तो इस प्रकार से आपके सिवा जो है आप मुझे मूर्छा हुई, तो इसलिए मैं पहचान चुका हूँ, मुझसे जो भी गलती हुई है क्षमा कीजिए, बतलाइए मैं आपकी क्या सेवा करूँ। तो भगवान कहने लगे कि इस प्रकार ये कलंक मुझे लगा है, ये मणि जो है, ये आपके पास जो मणि, आपके बच्चे के पास जो मणि है, ये मुझे चाहिए। तब तो कहते कि जामंत ने मणि भी दी, उनके गले में धारण करवाई और अपनी पुत्री जामंती का विवाह जो है उसके साथ कर दिया। अब जो है भगवान कृष्ण जो है वापस लौटे विवाह कर करके, और वहां पर भी जब है पहुंचे नगरवासी ने बड़ा स्वागत किया है। अब मिथ्या आरोप उन पर लगा तो अब जो है सभी जो सत्रजीत की निंदा करने लगे कि झूठा आरोप जो भगवान कृष्ण पर इन्होंने लगाया, मणि तो वहां पर थी, भगवान के पास नहीं थी। अब जो है सत्रजीत ने भी अपने अपराध का प्रायश्चित करते हुए जो है भगवान कृष्ण से क्षमा याचना की, और इस प्रकार से क्षमा याचना करते हुए अपनी पुत्री सत्यभामा जो है उसका विवाह जो भगवान कृष्ण के साथ किया और क्षमा याचना की। इस प्रकार से इस कथा का जो श्रवण, मैं संक्षिप्त में आपको जो बतलाई है कथा जो है, तो इस कथा का श्रवण करने से जो है जो मिथ्या कलंक यदि किसने दर्शन अनजाने में हो भी गए हैं, चतुर्थी के दर्शन जो है इस कथा का श्रवण करने से वह दोष जो है मुक्त हो जाता है, उस दोष से मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण जो है गणेश की जो विशेष दिन होते हैं, जो 10 दिन या कई बार 11 दिन आ जाते हैं, तिथि बढ़ जाती है बीच में, तो ये 10 दिन जो है साधक जन अपने घरों में भगवान गणेश का वाहन करते हैं, मूर्ति को रख करके प्रतिदिन जो है उनकी पूजा करते हैं, एक समय भोजन करते हैं, इसमें नत व्रत होता है, एक समय भोजन करते हैं, भगवान गणेश का नाम जप करते हैं, ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का जप जो है किया जाता है, गणेश के नाम का जप किया जाता है, उनका पूजन किया जाता है। कहते हैं 21 लड्डू, क्योंकि भगवान गणेश को लड्डू जो है ये अत्यंत प्रिय है। आप जितने भी देवते आप देखेंगे उन देवता के हाथों में हस्त्र शस्त्र होते हैं, शस्त्र युक्त होते हैं, जहां तक भगवती जो है ये भी शस्त्र युक्त रहती है, परंतु गणेश एक ऐसे देवता है इनके हाथ में कोई शस्त्र नहीं है, इनके हाथ में क्या है लड्डू है, जो इनकी पूजा करते हैं, इनकी आराधना करते हैं, इनके नाम का जप करते हैं, उनके हाथों में सदा सर्वदा लड्डू ही लड्डू रहते हैं, अर्थात खुशियां खुशियां रहती हैं, कोई विघ्न जीवन में नहीं आते। तो जे विनायक विशेष जो है गणेश की पूजा का जो दिवस जो है आज से जो प्रारंभ हुआ है, सिद्धि विनायक व्रत जो है, और इस तरह से बॉम्बे में तो इसका बहुत बड़ा प्रत्येक घर घर में जो है इनकी पूजा विशेष की जाती है। हमारे यहाँ पर भी अब जो है इसका प्रचलन हुआ है, तो जो तो एक दिन पूजा करते हैं, अब जो है 10 दिन लगातार सभी जो है पूजा कर करके भगवान गणेश का जो उत्सव मनाते हैं, और जो मनाना भी चाहिए, क्योंकि जब कुछ विशेष दिन होते जैसे दुर्गा पूजन, अभी नवरात्र आ रहे हैं, शारदीय नवरात्र, जिसमें 9 दिन जो है भगवती की विशेष पूजा की जाती है माँ को प्रसन्न करने के लिए, वह शक्ति पूजन के दिन जो है। इसी तरह से अन्य देवताओं के भी विशेष दिन होते हैं, चाहे व्रत आप चाहे शिवरात्रि, आप देखिए भगवान शिव का विशेष दिन होता है। अभी कृष्ण जन्माष्टमी हुई है, तो कृष्ण जन्माष्टमी में भगवान कृष्ण का विशेष उत्सव होता है, उसमें लोग व्रत करते हैं, जप करते हैं, पाठ करते हैं, ये जो विशेष तिथि है, ये विशेष दिन होते हैं, इसमें क्या जप पाठ स्नान दान जो है इसका अनंत गुणाफल होता है। इस तरह से गणेश चतुर्थी है, भादर शुक्ल पक्ष चतुर्थी जो है ये 10 दिन का समय जो है चतुर्दशी तक जो है ये विशेष दिन होते हैं, जिसमें साधक जन विशेष पूजा आराधना अर्चना जप पाठ कर करके भगवान की विशेष कृपा प्राप्त करते हैं, और उनके भगवान की कृपा से सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है। तो गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर आप सभी भक्तों को और श्रद्धालु माँ के दरबार की आरती को देख रहे हैं, सभी श्रद्धालुओं को और सभी देश के भक्तों को, सबको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बधाई, भगवान गणेश की ओर से भरतापन और
माँ भगवान गणेश जो हैं आप सबके विघ्नों को दूर करें, सब ओर से आपको कल्याण आपका कल्याण करें, क्योंकि ये शक्ति के ही पुत्र हैं। जिसके दरबार बैठे हुए हैं उसी शक्ति के ही ये पुत्र भगवान गणेश जो हैं, और जहां पर भी आप जहां पर बैठे हुए हैं सबसे पहले गणेश के दर्शन हैं। इस गुफा द्वार पर आप देखेंगे बाई तरफ जो है भगवान गणेश का पूरी आकृति बनी हुई है, ऐसा पूरी सूंड बनी हुई है और बड़े बड़े कान हैं, नेत्र हैं और पूरा ऐसा सुंडाकार बना हुआ, जो देखने से ऐसा प्रतीत साक्षात भगवान गणेश है। पूरा गज भदन जो है हाथी का सिर जो है पूरा ऐसे बना हुआ है, गणेश का पूरा सुंडाकार बना हुआ है। तो जब पुजारी जी भी गुफा द्वार पर आते हैं माँ की पूजा कर करके, तो सबसे पहले इन्हीं देवताओं का पूजन होता है। गणेश का पूजन यहाँ पर किया जाता है, सूरज का पूजन होता है, चंद्रमा का पूजन होता है, और इस प्रकार से जो पूजन करने के उपरांत ही माँ की आरती उतारी जाती है। तो माँ भगवती की आप पर सदा सर्वदा पूर्ण कृपा बनी रहे। ये बड़ा एक शुभ दिन है, गणेश चतुर्थी के दिन भगवती के चरण बैठ करके आपको भगवती की आराधना करने का, पुण्य अर्जित करने का, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि माँ बेटा, क्योंकि गणेश शक्ति के पास जो है ये पुत्र ही भगवती शक्ति और गणेश जी के एक साथ दर्शन करने का अब भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुए हैं। गुफा के अंदर भी जहाँ माँ के तीन पिंडी के रूप में दर्शन है, भाई दाएं तरफ जो है भगवान गणेश के दर्शन है, सामने भगवान शिव है, एक तरफ शिव है सामने, क्योंकि जहाँ शक्ति माँ शिव है, जहाँ शिव है माँ शक्ति, और वही उनका परिवार भी है, गणेश जी भी वहां पर विराजमान है। इसलिए इन समस्त देवी देवता को 33 करोड़ देवी देवता जो है इस गुफा के अंदर निवास करते हैं, और इस प्रकार जब भक्तजन माँ के दरबार में जाकर के माँ के चरणों में नतमस्तक होते हैं, उन्हें इन समस्त देवी देवताओं का एक साथ आशीर्वाद प्राप्त होते हैं, जिस आशीर्वाद से वह भक्त परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। सच्चे दरबार की जय। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए निवेदन कर श्री विजय कुमार जी माँ के चरणों में एक भजन प्रस्तुत करेंगे। आप सभी भक्त संकीर्तन में सहयोग देना से मिलकर बोलना ताल भी जाते हुए श्री विजय कुमार जी। जयकारा शरवालिका ना कागज रखती है ना किताब रखती है, सारी दुनिया का रानी माँ हिसाब रखती है, ना कागज रखती है ना किताब रखती है, सारी दुनिया का रानी माँ हिसाब रखती है, ना कागज रखती है ना किताब रखती है, सारी दुनिया का वैष्णो माँ हिसाब रखती है, ना कागज रखती है ना किताब रखती है, सारी दुनिया का वैष्णो माँ हिसाब रखती है। ताली सभी हाथ खुद लगा दिले, ताली नहीं एक बार सभी भक्त जन अपने अपने हाथ ऊपर उठा कर सभी माँ के चरणों में अपने अपने हाजिर दीजिए। हाथ सभी ऊपर भगवती आप भक्तों की हाजिरी स्वीकार करें, आपके झोलियां भरे, आपकी मराजें पूरी करें, आपका जीवन खुश से भरता है। ये सारा संसार है, ऊंचा रुतबा सारे जग में लीलाय परम पार है, ऊंचा रुतबा सारे जग में लीलाय परम पार है, ऊंचा रुतबा सारे जग में लीलाय परम पार है, वो जिसके इशारे से ही चलता ये सारा संसार है, ऊंचा रुतबा सारे जग में लीलाय परम पार है, ऊंचा रुतबा सारे जग में लीलाय परम पार है, किताब रखती है, सारी दुनिया का रानी माँ हिसाब रखती है, कागज रखती है ना किताब रखती है, सारी दुनिया का रानी माँ हिसाब रखती है, वो सबके नसीबों की चाबी मैया जी के पास है, मैया का
दरबार भक्तो सारे जग में खास है, दरबार भक्तो सारे जग में खास है, वो सबके नसीबों की चाबी मैया जी के पास है, मैया का दरबार भक्तो सारे जग में खास है। किताब रखती है सारी दुनिया का वैष्णो माही साब रखती है, ना कागज रखती है ना किताब रखती है, सारी दुनिया का वैष्णो माही साब रखती है, ओ सारी दुनिया का वैष्णो माही साब रखती है, सारी दुनिया का वैष्णो माही साब रखती है। ओ जब भी दिल करता है माँ खाते लेती खोल, सच्चा सुच्चा दर है माँ का झूठ कभी ना बोलना, सच्चा दर है माँ का झूठ कभी ना बोलना, वो जब भी दिल करता है माँ का खाते लेती खोल माँ, सच्चा सुच्चा दर है माँ का झूठ कभी ना बोलना, सच्चा सुच्चा दर है माँ का झूठ कभी ना बोलना, रखती है सच्चे को पास रखती है, सच्चे को पास रखती है, वो सारी दुनिया का रानी माही साब रखती है, सारी दुनिया का रानी माही साब रखती है, ना कागज रखती है ना किताब रखती है, कागज रखती है ना किताब रखती है, वो सारी दुनिया का रानी माही साब हिसाब रखती मैया अपने पास है, सबका हिसाब रखती मैया अपने पास है, सबका हिसाब रखती मैया अपने पास है, भक्तों को भरोसा माँ पे पक्का जे विश्वास है, सबका हिसाब रखती मैया अपने पास है, हिसाब रखती मैया अपने पास है, रखती है माँ पे विश्वास रखती है, विश्वास रखती है माँ पे विश्वास रखती है, वो सारी दुनिया का रानी माही साब रखती है, सारी दुनिया का रानी माही साब रखती है, वो सारी दुनिया का रानी माही साब रखती है, सारी दुनिया का रानी माही साब रखती है, ना ताकत रखती है ना किताब रखती है, ना किताब रखती है, सारी दुनिया का रानी माही साब रखती है, दुनिया का रानी माही साब रखती है, वो सारी दुनिया का वैष्णो माही साब रखती है, दुनिया का वैष्णो माही साब रखती है, वो सारी दुनिया का रानी माही साब रखती है, सारी दुनिया का वैष्णो माही साब रखती है, वैष्णो माही साब रखती है, जयकारा शेरों वाली का, सच्चे दरबार की जय। जयकारा शेरों वाली का, सच्चे दरबार की जय। अपने गम की दास्ता कैसे करूं बयां, तू सब कुछ है
जानती अंतर्यामी माँ माँ ओ माँ तुझ ढूंढूं आज कहाँ ओ पर्वत ढूंढा मैंने मिलता नहीं निशान ओ माँ तुझे ढूंढूं आज कहाँ ओ माँ तुझे ढूंढूं आज कहाँ ओ माँ तुझे ढूंढूं आज कहाँ ओ माँ तुझे ढूंढूं आज पर्वत पर्वत ढूंढा मैंने पर्वत ढूंढा मैंने पर्वत पर्वत ढूंढा मैंने पर्वत पर्वत ढूंढा मैंने मिलता नहीं निशान ओ माँ तुझे ढूंढूं आज कहाँ ओ माँ तुझे ढूंढूं आज अश्वन की जागीर है तेरी याद माँ
अब सुन पाओगी मेरी तुम फरियाद माँ, मेरी तुम फरियाद माँ, मेरी तुम फरियाद माँ, हो पता नहीं कब सुन पाओगी मेरी तुम फरियाद माँ, मेरी तुम फरियाद माँ, मेरी तुम फरियाद माँ, दिल के दिल में रह जाए ना हो माँ, दिल के दिल में रह जाए ना, दिल के दिल में रह जाए, हो दिल के दिल में रह जाए ना, दिल के दिल में रह जाए ना, दिल का ये अरमान चढ़ाया
लख पग तानू तार दिता साढ़े भी उन्हों में अज लड़ता दी अज जानू वांगू सानू भी हो अज जानू वांगू सानू भी हो अज जानू वांगू सानू भी न जानता दी अज जानू वांगू सानू भी न जानता दी टोली अटका के राजा टोली उत्ते मार नचना अज शर्म मतलब जी ये दुनिया सारी तेरे दर से आए भिखारी तेरे दर से आए भिखारी तेरे दर से आए भिखारी मतलब जी ये दुनिया सारी तेरे दर से आए भिखारी तेरे दर से आए भिखारी तेरे दर से आए भिखारी माँ तेरा प्यार पाए असी भी हलाल तेरे माँ तेरा प्यार पाए असी भी हलाल हो जया रात बखत दादी अज जानू वांग सानू भी हो अज जानू वांग सानू भी हो अज जानू वांग सानू भी न चंद दादी अज जानू वांग सानू भी न चंद दादी ढोली अटका के डाला नोरे उसे मार नचना है शर्म वाली दे दो ढोली अटका के डाला नोरे उसे मार नचना है शर्म वाली दे दो हाँ ढोली अटका के डाला नोरे उसे मार नचना है दुनिया दे जाम भी के बेखले बसेरे मेरा वाला जाम पिला दे दादी अज जानू वांगू सानू भी हो अज जानू वांगू सानू भी हो अज जानू वांगू सानू भी न चंद दादी अज जानू वांगू सानू भी न चंद दादी हो अज जानू वांगू सानू भी न चंद दादी 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 जय करा शेरों वाली मैया जी दा ओ सच्चे दरबार की जय उत्त है मरच राम रविचंद्र भन्ने नेत्र दनो सरजदा पुष्पा सोलन रमेर भुजे सधरते शिव शक्ति रूपा कामेश्वर हृदय भजामि ऋतविंदु लेखा जोता वाली माता तेरी सदा ही है माँ भगवती की अच्छी मन कंपा से आप भक्त जनों के संकल की आरती में माँ के दरबार में सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ आप बड़े भाग्यशाली हैं पुण्यात्मा हैं जब भक्तों को इस आरती की पवित्र वेला में और विशेषतया आज गणेश चतुर्थी के दिन माँ के चरण में बैठ करके माँ भगवती की आराधना करने का पुण्य अर्जित करने का इस जगजन्य जगत माता का आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है माँ भगवती की इसी तरह से भक्तों की कृपा बनी रहे और भगवती के चरणों की सेवा का सौभाग्य सदा सर्वदा आप भक्तों को प्राप्त होता रहे इस परम पवित्र वेला में आप सभी भक्तों को और जो श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी दरबार की आरती को देख रहे हैं उन श्रद्धालुओं को भी माँ वैष्णो देवी की ओर से भूरी भूरी आशीर्वाद आयुष्मान भवे संतते भवन भवे श्रीमान शशि भवे प्रज्ञा भवन भवे भूरिभूत करणे दाने कनिष्ठो भवे तेजस्वी भवे दैर्य दर्प जलने व्यापार दक्ष भवे श्री शंबर पाद पुण्यरतः सर्वोपकारी भवे मंत्रार्था सफला संतो पूर्ण संत मनोर्थः शत्रुणां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणां उदयस्तु शरीरवर्चस्व आयुष्मारोग्यमाविदात् शोमानमहीयते धनं धान्यं पशुपुत्रलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः माँ भगवती आप भक्तों की दीर्घायु करें आपको सुख समृद्धि प्रदान करें धन धन्य से समृद्ध करें सब ओर से आपका मंगल करें आपकी यात्रा को सार्थक कर बोलो सच्चे दरबार की जय तभी माँ भगवती की आरती होगी आपसे भक्तजन भक्ति भाव से माँ की आरती करेंगे सम्मिल कर बोलना ताली बजाते हुए ओम जय अंबे गौरी मैया जय श्यामा गौरी
वाली माता तेरी सदा ही जय शब्द मनोर्थ पूर्ण करने वाली माता तेरी सदा ही जय सबको सद्बुद्धि देने वाली माता तेरी सदा ही जय शक्ति दरबारी की जय। तो परम पूज्य पुजारी जी माँ भगवती की पूजा करके आपके सामने इस गुफा द्वार पर आ गए हैं। इस पवित्र गुफा का पूजन करके अखंड ज्योति का पूजन होगा, उसके उपरांत माँ भगवती की आरती उतारी जाएगी। आरती आप सब जनों के बीच में आएगी। शांति पूर्वक अपने अपने स्थान पर बैठे बैठे आरती की वंदना करना और माँ भगवती से अपने कल्याण के लिए परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करना। बोलो सच्चे दरबार की जय। प्रेम से बोलो जय माता दी, कमल बोलो जय माता दी, फूल बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, आप बोलो जय माता दी, जय माता दी, शक्ति दे जय माता दी, जय माता दी, शक्ति दे सभी भक्तजन भक्ति भाव से दोनों हाथ जोड़ के तुम्हारे से प्रार्थना करेंगे। संभल कर बोलना देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि मे परमं सुखं, देहि मे परमं सुखं, रूपं देहि जयं देहि, रूपं देहि जयं देहि, यशो देहि दिशो देहि, यशो देहि दिशो देहि। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे, ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चन मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, दुःखभाग् भवेत्। शान्तिः शान्तिः, आरती क्रम देखे सुने और मन मन माँ भगवती का नाम स्मरण करें। आप परम पूज्य पुजारी जी आरती प्रारंभ करते ही आप सभी आरती आनंद लीजिए और माँ से प्रार्थना कीजिए। माँ भगवती आप सब भक्तों का मंगल करें। जय माता दी। प्रथमे गुरु जी को वंदना, द्वितीय आज गणेश, तृतीय सिमरा शारदा, कार्य करो हमेश जय माँ, आनंदे आनंद करो कल्याणी कल्याण, मैया दोपहर तो घट गई जो चरणा का ध्यान, जय माँ।
खड़गम चक्रगदेशु चापवलिगम शूलं भशुण्डं जला शंखं दंडलिङ्गरेशनयम् आशीर्वाद प्राप्त हो, आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। बोलो सच्चे दर्शन।